हेलो एंड वेलकम ऑल कंफ्यूज वर्ड्स में आज भी चार कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। आज का पहला रहेगा एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। एपिडेमिक हिंदी होती है महामारी, पेंडेमिक हिंदी है सर्वव्यापी महामारी। सेकंड है मोरल, हिंदी होती है नैतिक, मोरल मनोबल। फिर 52nd लाइटिंग, दोनों में केवल पहले में एक्स्ट्रा में ई है, दूसरे में ई नहीं है। पहले वाले लाइटिंग का मतलब होता है हल्का करना और दूसरे वाले का मतलब होता है बिजली चमकना। फिर है लाइटिंग मतलब प्रकाश व्यवस्था। देन हेयर आप जानते हैं, आयर मतलब उत्तराधिकारी और हायर मतलब खरगोश। इस तरह से चार कन्फ्यूजन्स हैं। पहला महामारी, महामारी क्या होती है कि एक पार्टिकुलर एरिया में होती है, उसी का डेफिनेशन को ही सेंटेंस में यूज किया है, पार्टिकुलर एरिया में होती है। इसका एरिया एक देश से अधिक बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन वही सर्वव्यापी महामारी पेंडेमिक की बात करेंगे तो वह एक से अधिक देश में जब वह महामारी होती है एक ही समय में तो उसे कहेंगे पेंडेमिक। जैसे अभी कोरोना वायरस है, यह सभी देशों में, ऑलमोस्ट सभी देशों में है, इसलिए इसे पेंडेमिक कहा जा रहा है। लेकिन वही बर्ड फ्लू जो होता है वह कुछ पार्टिकुलर स्टेट्स में होता है एक ही समय में, तो हमारे देश के लिए वह एपिडेमिक होता है। एन एपिडेमिक स्प्रेड्स इन अ पार्टिकुलर एरिया, एक महामारी विशेष क्षेत्र में फैलती है। अ पेंडेमिक एक सर्वव्यापी महामारी स्प्रेड्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक सर्वव्यापी महामारी संपूर्ण विश्व में फैलती है। मोरल मतलब नैतिक, नैतिक मतलब जो सामाजिक आचार व्यवहार है उसे बोलते हैं नैतिक। मोरलिटी बिगेट्स गुड बिहेवियर, नैतिकता पैदा करती है गुड बिहेवियर अच्छा व्यवहार को, या नैतिकता से अच्छा व्यवहार उत्पन्न होता है, हिंदी हो जाएगी। मोरल मतलब इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मोरल मतलब मनोबल। इंस्पिरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ मोरल, प्रेरणा मनोबल की नींव होती है। यह हो गया। फिर है लाइटिंग मतलब हल्का करना, जैसे कि कार्यभार होता है ना, वर्कलोड आप करते हैं, अकेले बहुत काम करना पड़ता है, वही आपके ब्रदर भी आपके साथ मिल जाते हैं तो जल्दी से निपट जाते हैं आप लोग, तो दोनों के मिलने से वर्कलोड कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, वही है लाइटिंग। टेक्नोलॉजी इज लाइटिंग वर्कलोड, तकनीकी वर्कलोड को, कार्यभार को कम कर रही है। लाइटनिंग, यहाँ पे लाइटिंग ये है, लाइटिंग बिजली चमकना जो आप आकाश में देखते हैं, तो लाइटिंग द स्काई सोर्स नेचर पावर, आकाश में बिजली चमकना प्रकृति की शक्ति प्रदर्शित करता है। देखते हैं बिजली चमकती है एक बार तो हजारों लाखों बल्ब्स लगा देते आकाश में, तभी उतनी चमक नहीं होती जितनी एक बिजली के फ्लैश से हो जाती है, तो ये नेचर पावर को प्रदर्शित करता है। लाइटिंग मतलब प्रकाश व्यवस्था, शादियों में जो प्रकाश व्यवस्था होती है, घर को सजाया जाता है, चाहे किसी पार्टिकुलर जगह को सजाया जाता है, उसे लाइटिंग कहते हैं। गुड लाइटिंग इन रीडिंग रूम सेव्स आईज, पढ़ने के रूम में अच्छी लाइट की व्यवस्था आंखों को बचाती है, कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। हेयर मतलब बाल, आप जानते हैं मिराज कर्ली हेयर, मीरा के घुंघराले बाल, हैज बिकम हर आइडेंटिटी, उसके परिचय बन गए हैं, मीरा के घुंघराले बाल उसके परिचय बन गए हैं। इंग्लिश में बाल सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाम होता है। आयर मतलब उत्तराधिकारी, द बेस्ट पर्सन बिकम्स एन हेयर, आयर सबसे अच्छा आदमी उत्तराधिकारी बनता है। आप मूवीज में देखे होंगे, राजा महाराजा कहानी पढ़ते होंगे, राजा के बाद कौन उनका पद पर आएगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, तो जो सबसे अच्छा होता है राजा के अनुसार उसे बना जाता है उत्तराधिकारी, तो यही है आयर। आपने आर्टिकल में पढ़ा है और इसके साथ HEIR के साथ आयन का प्रयोग होता है, क्योंकि उच्चारण में आय आता है हिंदी का स्वर वर्ण। नाउ हेयर, हेयर मतलब खरगोश, हेयर भी पढ़ते हैं आप लोग, खरगोश रैबिट आप जानते हैं, खरगोश ही मतलब होता है। और हेयर इज स्मॉल मैमल, एक खरगोश छोटा स्तनपाई होता है, मैमल मतलब स्तनपाई। इस तरह से हमारे चार कन्फ्यूजन्स थे, पहला एपिडेमिक पैंडेमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नया भी है, पूछे जाने की संभावना है, बुक्स में नहीं दिया हुआ अभी,
बुक्स में आया ही नहीं है दोनों के बारे में, ठीक। मोरल मोराल, लाइटनिंग लाइटनिंग लाइटिंग, ये तो बहुत ईजी है। ध्यान रखना है कि जो हल्का करना होता है वहां पे ई होता है, चमकने वाले में कहीं कुछ नहीं, टी के बाद एन सीधा होता है। फिर हेयर आयर हायर, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये ऊपर के दो काफी इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सभी एग्जाम में आ सकते हैं और साथ में यूज कैसे होना चाहिए इसका पता आपको रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।